तो जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं धर्मेंद्र दीवाना देहाती न्यूज को। तो चलिए हम सभी दुकानदारों से पूछते हैं कि 2022 में कितना महंगाई बढ़ चुका है। तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए कैमरा मैन, चलिए इस दुकान वाले के पास, तो सबसे पहले हम मछली के पास जाते हैं, ठीक है ना। कैमरा मैन फोकस कीजिए दुकान के पास, ठीक है ना। तो देखिए भैया, 2022 जैसे कि महंगाई बढ़ा कि महंगाई बढ़ गया है। हाँ, रेहू 160 है और जासर 130 है, मुर्गा 150 रुपए किलो। गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है। लगातार लूटने के चक्कर में पड़ गया है दुकानदार साहब। लूट नहीं रहे, अगला रेट बढ़ाया, उसी के आधार पर बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं दुकानदार जी, कह रहे हैं मछली बेचने वाले कि रेट आगे से बढ़ चुका है, तो ये भी बढ़ा के बेच रहे हैं। बात सब सही है, सही। तो गरीब लोग मछली तो कोई खा नहीं पा रहा है। तो चलिए अगला दुकानदार के पास हम चलते हैं, बगिनवा के पास जाए। देखिए यहाँ पे बेदान दिख रहा है, कैमरा मैन बने रहिए। देखिए बेदान वाला भाई से हम पूछते हैं, ठीक है ना। बेदान में दाम बढ़ चुका कि नहीं 2022 में? बढ़ चुका है। और कितना बहुत बढ़ गया है, किस चीज़ के कारण? तो कह रहे हैं भैया कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुका है 2022 में। तो चलिए हम आगे बढ़ के दिखाते हैं, कैमरा मैन फोकस कीजिए रास्ता पे, अब हम आगे जाके करके दिखते हैं। अभी हम इस समय टिकारी रोड पे हैं, लगातार बैठे हैं हमारा वीडियो में। अब एक तो और एक चीज़ हो चुका है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना। कैमरा मैन फोकस कीजिएगा ये साइड में, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए हम टेम्पू लगा हुआ वो साइड में आए हैं। तो देखिए एक मेरा भाई भीख मांग रहा है, तो उससे हम पूछते हैं, ठीक है ना। अरे उठो, उठो उठो, नाम क्या रहे? सुतम कुमार। तो देखिए एक मेरा भाई है 15-16 साल के, जो अपना नाम बता रहा है आपको, सुतम कुमार। तो भाई ये कहा था फिर भी भीख मांग रहा, पढ़ा नहीं करते हो? लकड़ा मार दिया है, गल तो नहीं आया कि लकड़ा मार दिया है, देखा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका नाम है पुरुषोत्तम कुमार, और ये बोल रहा है कि हमको हाथ में लकवा मार दिया है। 15-16 साल का लड़का है, पढ़ाई करने की उम्र में उसको भीख मांगने में पड़ रहा है। तो ये काम नहीं होना चाहिए था, सरकार इसको कोई ना कोई चीज़ इसको देता, मतलब मदद करता कि पढ़ाई करता। पढ़ाई करने का मन करता है? मन करता पूरा ना। तो आप लोग देख रहे हैं एकदम गरीब फैमिली से है, इसको सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो हम इससे पूछते हैं कि कभी डॉक्टर ही दिखवाया कि नहीं? कभी डॉक्टर ही नहीं दिखवाया है? सर गरीब आदमी है, कहाँ से दिखवाओगे सर? अच्छा, ये बहुत लाचार है, लड़का दिखवा भी नहीं सकता है, इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लड़का भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो भीख मांग के गुजारा हो जाता है सर? हाँ थोड़ा थोड़ा हो जाता है। लगता है लड़का सवेरे से खाना भी नहीं खाया, बहुत धीरे धीरे आवाज़ सुन कर रहा, मदद करते हैं। देखिए कह रहा है कुछ मदद कर दीजिए, मदद करते हैं, ठीक है। दे रहे हैं, दे रहे हैं। आओ इधर साइड में, आओ इधर साइड में। नो 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 नो, मदद कर रहे हैं। चला सही सही बताओ, तुमको मदद करने के तुम काबिल हो रहे हैं? नहीं सर। तुम भीख मांगते हो? सही सही बताओ साला, तो इतना मार मारेंगे ना गलिया लाल कर देंगे। सही सही बताओ, भीख मांगता है तू? सही सही बोल रहा है? अरे साला तुम बतावे वो कि हम पुलिस को बुलाने रहे? सही 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 बताते हैं, बताते हैं, बताओ सही। माल के चक्कर में रिचार्ज नहीं होता सर। तो आप लोग देख रहे हैं, ये कह रहा है कि लड़की के चक्कर में हम भीख मांग रहे हैं, रिचार्ज खत्म हो गया हमारे फ्रेंड के मोबाइल में। अरे बेटा तुम एक लड़के के चक्कर में तू अपना भविष्य काहे खराब कर रहा है? क्या करिएगा, क्या करिएगा सर? मारेगा जितवा की कबर जाएगा सारा, कर क्या करेंगे? और तो देखिए कितना बड़ा गलत कर रहा है कि पढ़ाई की उम्र में एक लड़की से प्यार करता है, उसको रिचार्ज खत्म हो गया तो कह रहा कि लड़की के चक्कर में भीख मांग रहे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना गलती कर रहा है। इन लोग के वजह से हमारा देश आज खराब हो रहा है। बेटा सुन लो कान खोल के, जो तुमको कमी हो वो चीज़ हम अभी दे रहे हैं कॉपी। अरे अभी सुन, इसको कॉपी दो हाथ में,
कॉपी दो बेटा, हाथ निकालो लकवा मारा, निकल हाथ निकाल हाथ। तो देखिए एक और आता कि लकवा मारा है और लकवा के बहाने सारा भीख मांग रहा था। कॉपी लो, किताब लो और हमको सामने तू अपना साइन कर उसे, हाँ साइन करो। तो आप लोग लगातार बने रहिए वीडियो में, हम इसको सभी साइन करवाते हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का इस तरह के काम कर रहा है, आप लोग सोच सकते हैं कितना गलत काम कर रहा है। चल साइन करो। अरे बेटा तुम इतना अच्छा पढ़ाई कर लेते हो फिर भी एक लड़के के पीछे काहे तुम ये सब काम कर रहे हो रे? हाँ तो सुन लो बेटा, आज दोबारा नहीं करेंगे, नहीं ना करेगा, आज भर हम तुमको छोड़ रहे हैं। आज के बाद अगर हमको पता कौन बतलाया है, कौन बताया बता दें, तुम्हारा एक दोस्त पढ़ाई करता तुमको साथ में, वो बोला कि देखिए सर एक मेरा दोस्त है एक लड़की के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है, उसको रिचार्ज ख़त्म हो चुका था, वो लड़का रिचार्ज करवाने के लिए भीख मांग रहा है, तो हम यहाँ पे आए हैं। बेटा आज के बाद ये रास्ता में अगर कहीं पर भी तुम मिल गया ना, ठीक ना, कहीं पर भी ठीक है, जा रहा है, जा रहे हैं, आज के बाद पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा, ठीक ना, तुम लोग के वजह से देश खराब हो रहा है, ठीक है, जा रहा है। लड़की का चक्कर में तो आज के बाद बेटा अगर टेक्कारी में कहीं पर भी तुम को देख लिए तो साला तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये लड़का गलत काम कर रहा था। तो ऐसा ऐसा जितना भी लड़का बकचोदी कर रहा है हर एक लड़का को खोज खोज के हम आप लोग के दिखाएंगे कि इन्हीं लोग के वजह से सभी लड़का लोग बिगड़ रहा है, कोई पढ़ाई सही से नहीं कर रहा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा।